स्पोकन इंग्लिश यूज में आज आप सीखेंगे सिंपल इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फॉर्म। वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी वाराणसी। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच न्यू वीडियोस ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। प्रेस द बेल आइकॉन एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब जो होगा वो टेंस के अनुसार होगा, जैसा टेंस वैसा वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस टू वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग आप करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टेंस के अनुसार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा स्ट्रक्चर को, क्योंकि स्ट्रक्चर के ही बेस पे आपको सेंटेंस बोलना है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल से क्लियर होगा वाक्य सेंटेंस आप बोलेंगे कैसे। तो यह रहा पहला सेंटेंस आपके सामने। मैंने उसे वहाँ जाने की सलाह दी। आई एडवाइज। देखिए एडवाइज क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट। आई एडवाइज हिम To go there. I advised him to go there. Past indefinite tense. Next, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए present continuous. I am waiting. मैं इंतजार कर रहा हूँ. I am waiting for him. मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ. I am waiting for him to come. To come means आने का। यह है simple infinitive. I am waiting for him to come. Next, मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा। देखिए आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम। मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे 2 दिन के अंदर अंग्रेजी बोलना सिखाया। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट। He taught me to speak English within two days. 2 दिन के अंदर, within 2 days. Next sentence, तुम्हें नींद से उठाने के लिए मुझे खेद है। I am sorry, simple present tense. I'm sorry to wake up you up. Okay. Next sentence, वह आज पढ़ने नहीं जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ही विल नॉट गो टू स्टडी टुडे। नेक्स्ट, मैं उसे यह जॉब करने का दबाव नहीं दूंगा। I will not force him to do this job. I will not force him to do this job. वह आज क्रिकेट खेलने नहीं आएगा। वह आज क्रिकेट खेलने नहीं आएगा। He will not come to play cricket today. है ना आसान? बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार हों। मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ आपको। वह आज क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। He will not come to play cricket today.